क्षेत्र में विशेष सतर्कता बरतने के लिए निर्देश दिए। अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर सिविल डिफेंस भी सक्रिय हो गया है। इसको लेकर सिविल डिफेंस ने अपने अपने क्षेत्र में अभियान चलाया। सिविल डिफेंस के सदस्यों को शांति व्यवस्था बनाए रखने और लोगों को फैसले के बारे में सही से जानकारी देने की जानकारी दी गई। सिविल डिफेंस के डिप्टी चीफ वार्डन नरेंद्र सिंह मलिक ने बताया कि अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिले में सिविल डिफेंस से जुड़े सभी लोगों ने भाग लिया। उन्होंने बताया कि इसके लिए जिलाधिकारी मेरठ अनिल ढिगरा को निर्देशित किया है। डीएम के आदेश पर पूरे जिले में अभियान चलाया गया, जिसमें लोगों को सोशल मीडिया में आने वाले उत्तेजक और धार्मिक मैसेज से बचने की सलाह दी गई। उन्होंने बताया कि बैठक का आयोजन अयोध्या प्रकरण में आने वाले फैसले के परिप्रेक्ष्य में सिविल डिफेंस के लोगों को यह ड्यूटी दी गई है कि वे अपने अपने क्षेत्र में शांति बरतने के लिए काम करें और सोशल मीडिया में आने वाली अफवाहों पर विशेष रूप से ध्यान देने की बात कही गई है। ऐसी अफवाहों का खंडन करें। कोई बाहरी व्यक्ति क्षेत्र में आकर अगर माहौल खराब करने की कोशिश करता है तो उसके बारे में जिला प्रशासन को बताया जाए। बैठक में शामिल सभी लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई। मेरठ से सुरेश दहिया की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अयोध्या प्रकरण में मामला चल रहा है, उसका डिसीजन आने वाला है। उस डिसीजन के आने के परिप्रेक्ष्य में सिविल डिफेंस को ये ड्यूटी दी गई है कि अपने अपने क्षेत्र में शांति बरतने के लिए क्या क्या उपाय किए जाएँ। उन उपायों में सबसे बड़ा है कि जो सोशल मीडिया पर अफवाहें आती हैं, उन अफवाहों का हम खंडन करें, उनको रोकें, और अगर कोई बाहरी तत्व क्षेत्र में आकर के बदअमनी फैलाने की कोशिश करता है तो ऐसे लोगों को हम चिन्हित करें और उसको जिला प्रशासन को उसकी सूचना दें, जिससे क्षेत्र में शांति बनी रहे और किसी भी प्रकार का जो अप्रिय घटना ना घटे।